तो आज की वीडियो में आपके एंड्रॉइड फोन से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है वो सब की सब आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। आपने फ्रेंड एक भी रुपया खर्च नहीं करना, किसी भी आपने मोबाइल रिपेयर दुकान पे नहीं जाना, सबका सब प्रॉब्लम आप अपने घर बैठे अपना एक टच से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सुनने में तो आपको बड़ी हैरानी होगी, सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है अगर आप मेरी कंप्लीट वीडियो देखोगे। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा आपने क्या काम करना है क्या काम नहीं करना। चलो फ्रेंड टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो मैं आपके साथ आप स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं। इसके लिए फ्रेंड आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूं। इस एप्लीकेशन को आपने कहां से इंस्टॉल करना है जी मैं वीडियो में बता दूंगा। आपने वैसे जहां वहां से कोई प्ले स्टोर से जाके आपने डाउनलोड नहीं करना, जहां से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कहां से आपने आपको उसको डाउनलोड करना है और पूरा का पूरा स्टेप मैं इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड, चलो फ्रेंड मैं आ गया हूं मतलब उस एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लिया। उसके बाद साथ में आपको दिखा रहा हूं ये जब खुलेगी पहली बार आप इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने जब ऐप को ओपन करोगे, मैं दोबारा ओपन करके दिखा रहा हूं, इस ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा। इसमें मैं बता रहे वाला हूं जहां से आपने क्या करना, अगर आपकी फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, आप सुबह चार्ज करते हो घंटे दो घंटे चलाने के बाद आपकी फोन की बैटरी डाउन हो जाती है या बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो आपने क्या करना है जो बैटरी वाला ऑप्शन है इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जहां पे व्यू पे आप देख सकते हो भी आपकी बैटरी की प्रॉब्लम कैसी है। देखो मैंने व्यू पे ओके किया जहां पे लिखा हुआ प्लीज कंप्लीट बैटरी हेल्थ टेस्ट फर्स्ट, इसने ये लिखा हुआ भी आप पहले टेस्ट करो भी आपकी फोन की बैटरी की हालत कैसी है, मतलब कि ठीक काम कर रही है बैटरी खराब हो गई है या किस वजह से आपकी बैटरी पे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जहां से आपने स्टार्ट पे ओके कर देना, जैसे आप स्टार्ट पे ओके करोगे तो जहां से एक टाइम काउंट शुरू हो जाएगा, एक कम से कम 10-15 मिनट लगेगी पूरा सेटअप कंप्लीट होने में। जैसे फ्रेंड कंप्लीट सेटअप हो जाता है उसके बाद ये आपको डायग्नोसिस बता देगी भी जे प्रॉब्लम है उसको ए सॉल्व भी करके बताएगी, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है, जे एप्लीकेशन आपको खुद भी खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व भी करके देगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये काफी टाइम लेगा 10-15 मिनट, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको मैं बैक कर लेता हूं। बैक करने के बाद मैं दूसरा ऑप्शन बताने वाला हूं जहां पे ये एक ट्रेसपिन का एक ऑप्शन दिया गया हुआ था जो एक बुश का आइकन है, इसपे भी आप देख सकते हो भी आप क्या जो भी एप्लीकेशन है कौन सी इंस्टॉल है, किसमें कोई प्रॉब्लम है, किसमें वायरस है, किसमें कुछ है, मतलब जो भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा कोई एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर, तो ये आपको जहां पे बता देगा। उसके बाद आपने डिसाइड करना है आपने ऐप को रखना है या अनइंस्टॉल करना है। ठीक है फ्रेंड, जहां पे अगला ऑप्शन बताने वाला हूं जहां पे सर्च का एक ऑप्शन बना हुआ, जहां पे आप लिस्ट पे ओके करोगे तो जहां पे आपके फोन में जो जो फंक्शन है जो जो चीज खराब हो सकती है, ठीक है, मल्टी टच है जो टच स्क्रीन है या टच स्क्रीन है, डिस्प्ले चेक है, स्पीकर आपका काम नहीं कर रहा, माइक काम नहीं कर रहा, आपका फोन का कैमरा नहीं चल रहा, रियर कैमरा नहीं चल रहा, आपके फोन की फ्लैश खराब हो गई है, ए टू जेड एक एक बताऊंगा तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। जहां से पे भी फ्रेंड आप पूरा चेक कर सकते हो, जो आप सेलुलर नेटवर्क है आपका नेटवर्क नहीं चल रहा, डाटा नहीं चल रहा, वाईफाई कनेक्शन की कोई प्रॉब्लम आती है, या तो आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा, आप किसी टूर पे जा रहे हो वहां पे रास्ते में आपने देखा होगा भी आपका ये जीपीएस काम करना बंद कर देता है, वो भी प्रॉब्लम आप एक एक करके भी जहां से चेक कर सकते हो। अगर आप पूरे फोन को एक ही टच पे आप देखना चाहते हो आपके फोन में प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो कौन सी है, ताकि कई बार कई चीजों का हमें पता नहीं चलता, फर्ट थोड़ा होता है और जैसे जैसे हम यूज करते रहते हैं उसका हमें पता नहीं चलता, वो फॉल्ट बड़ा होता जाता है। तो जहां से आप फ्रेंड एक टच पे जहां वन टच टेस्ट लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करके और पूरी पूरी प्रॉब्लम को जहां पे प्ले बटन है इसको आपने ओके कर देना, जहां अलाउ का ऑप्शन मांग रहा है तो अलाउ कर देना, और उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस यहां से स्टार्ट हो जाएगा, एक एक चीजें चेक करेगा, जो सही होगा उसको सही बता देगा, जो खराब हो गया जिसमें गड़बड़ होगी जहां पे बता देगा इसमें खराबी है तो वो अपने आप उसको ठीक भी कर देगा आपके एक क्लिक पे।
ठीक है फ्रेंड, ये भी थोड़ा टाइम लेता है, 10-15 मिनट का टाइम लेता है पूरा मोबाइल आपका चेक करने में भी कहां पे गड़बड़ है कहां पे नहीं। हेल्थ का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, एक पैथ लैब पे जाते हैं और ब्लड सैंपल देते हैं तो बोलते हैं सर हमारा बॉडी का चेकअप हो जाए तो अपने एंड्रॉइड पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे, उसको ध्यान देना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, जिसको आप यूज करें उसकी फोन की हेल्थ अच्छी रहेगी। चलो फ्रेंड इसको मैं बैक कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत सारा टाइम लेता है, उसके बाद में अगला ऑप्शन आपको बताता हूँ आपने क्या करना। बैक इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम ले लेता है, आपका समय बर्बाद ना हो इस वजह से मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये टेस्टिंग कर रहा है इस वजह बैक आ गया हूँ। उसके बाद फ्रेंड जो आपके सामने ये मोबाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा आपके फोन की क्या कंडीशन है, कितने जीबी रैम है, कितना मतलब खाली पड़ा है, पूरा का पूरा जहां आपके फोन की स्टेटस बता देगा भी आपका फोन क्यों हैंग कर रहा है। अगर आपका फोन हैंग भी करता है तो आपने क्या करना है, जहां इंस्पेक्शन स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना और पूरा का पूरा जो आपके फोन की प्रॉब्लम है वो कंप्लीट जहां से मतलब कि ठीक हो जाएगी, ठीक कर देगा जी जो एप्लीकेशन है, पहले उस प्रॉब्लम को ढूंढेगा। जैसे क्या करते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, जब भी हम उसके पास जाते हैं सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट करते हैं और टेस्ट से पता करते हैं भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम कहाँ है। ऐसे नहीं है भी छट्टे से ये दवाई दे दी पैरासीटामोल खा लो आप ठीक हो जाओगे, इसी तरीके से ये एप्लीकेशन करती है, पहले प्रॉब्लम ढूंढती है फिर उसको ठीक करती है। तो बहुत बढ़िया ये एक एप्लीकेशन है, इसको आपने अगर इंस्टॉल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और वहां से जाके इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता फ्रेंड आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ताकि आपके लिए मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ सकूं। अगर फ्रेंड आपके भी फोन में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ भी तरह का आप पूछना या मुझे बताना चाहते हो तो नीचे वीडियो में कमेंट जरूर कर दिया करो, सर आपकी वीडियो इस तरीके से या जहाँ हमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।